हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जो है ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं। उम्मीद है आप बना लिए होंगे। तो आज जो है इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे मोलरिटी को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि मोल कंसेप्ट का पार्ट 31 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 30 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1, 2, 30 देख ले। तो इसमें जो है 5 MQH सोल्यूशन प्रिपेयर करना था। तो अगर आप वाटर यूज कीजिए या वाटर यूज नहीं कीजिए, मैक्सिमम आप 1250 ml ही प्रिपेयर कर सकते हैं 5 MQH सॉल्यूशन। और 3 MQH सॉल्यूशन जो है, अगर आप वाटर यूज कीजिएगा तो 7/3 L 3 MQH सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं मैक्सिमम। और अगर वाटर यूज नहीं कीजिएगा तो आप मैक्सिमम 5/3 L 3 MQH सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 L 1 MQH सॉल्यूशन और 1 L 6 MQH सॉल्यूशन से। अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो मान लीजिए कि 1 MQH सॉल्यूशन का x लीटर और 6 MQH वाले का 2 L ऐड करते हैं, मतलब इसका x लीटर और इसका 2 L को ऐड करेंगे, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनना चाहिए उसका मोलरिटी हमको 5 m बनाना है। मतलब फाइनल मोलरिटी जो सॉल्यूशन का होगा वो 5 m होगा। और भी फाइनल आपका क्या हो जाएगा, भी फाइनल हो जाएगा एक्स लीटर प्लस 2 L, क्योंकि एक्स लीटर और 2 L को मिक्स कर दिए। तो मिक्सिंग वाला फॉर्मूला लगाइए, एम इनिशियल भी इनिशियल प्लस एम फाइनल भी फाइनल इक्वल टू, सॉरी एम इनिशियल भी इनिशियल नहीं, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू एम फाइनल इंटू भी फाइनल। तो M1 आपका 1 m है, इसका एक्स लीटर मिलाए हैं, मतलब V1 एक्स है, तो 1 × x x होगा, प्लस M2 6 × V2 y, तो 6 × y, तो 6 y इक्वल टू एम फाइनल। फाइनल मोलरिटी हमको 5 m चाहिए, तो 5 × V फाइनल x लीटर प्लस 2 L हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, तो 5 × x + y। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो y इक्वल टू 4 x आएगा। मतलब अगर आप इसका एक्स लीटर लीजिएगा, 1 m का अगर जितना लीजिएगा, तो उसका 4 गुना आपको 6 m वाला सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, तब जाके जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका मोलरिटी 5 m होगा। तो आप कितना भी अमाउंट ले लीजिए, बस 4 गुना में लीजिएगा तो हमेशा 5 m प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का पूरा ले लीजिए, सॉरी बाई का पूरा ले लीजिए। एक्स का पूरा ले लीजिएगा तो एक्स का तो 1 L ले लीजिएगा, बाई का 4 L आपको लेना पड़ेगा, लेकिन 4 L है ही नहीं आपके पास, 1 L सोल्यूशन ही है। तो बाई का पूरा लीजिए, तो बाई का अगर आप 1 L पूरा ले लेते हैं तो एक्स का 250 ml आपको लेना पड़ेगा, मतलब एक्स का 250 ml और बाई का 1 L अगर आप मिक्स कीजिएगा तो जो सोल्यूशन बनेगा वो आपका 5 MQH का सोल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो 5 m हो जाएगा, 1:4 के रेशियो में लीजिएगा तब। अब मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 1250 ml ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं। बाई का पूरा ले लिए, अगर एक्स बचा हुआ लीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग बाई का भी अमाउंट लेना पड़ेगा, लेकिन बाई आपके पास बचा हुआ ही नहीं है। अब एक्स बचा हुआ है 750 ml, ठीक है। तो ये जो केस आया 1250 ml का, वो आपका जब आप वाटर यूज नहीं कर सकते, मतलब इन्हीं दोनों सॉल्यूशन से, तो उसमें आप मैक्सिमम 1250 ml बना सकते हैं। अब वाटर भी यूज करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर आप जब यूज कीजिएगा तो आपके पास ये वाला सॉल्यूशन बचा है 1 MQH सॉल्यूशन, मतलब आपके पास जो 750 ml बचा हुआ है इस सॉल्यूशन का मोलरिटी है 1 m। अब इसमें अगर आप वाटर यूज कीजिएगा तो इसका मोलरिटी 1 से कम ही होगा डाइल्यूशन होने के बाद, ना कि 1 से बढ़ेगा, जबकि हमको 5 m प्रिपेयर करना है, तो 5 m बन ही नहीं पाएगा। ये जो 750 ml है बचा हुआ, इसमें अगर आप पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाइएगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा, मतलब m इनिशियल इंटू v इनिशियल, ये नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का, इक्वल टू मोलरिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल। तो इस केस में मोलरिटी इनिशियल 1 m है, वॉल्यूम इनिशियल है 750 ml, मोलरिटी फाइनल आपको 5 m करना है। तो वॉल्यूम फाइनल जो है ये कितना चाहिए, तो ये 750 से भी कम हो जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम फाइनल जबकि आपका
750 प्लस समथिंग होगा, मान लीजिए वी लीटर आप मिलाते हैं तो वी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। देखिए 750 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 750 प्लस वी, तो वी इक्वल टू 750 अपॉन 5 माइनस 750, ये निगेटिव आएगा। कहने का मतलब इसमें से अगर आप वाटर को निकाल लें किसी तरह से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरा सोल्यूबल है, सोल्यूबल है तो वाटर निकलेगा नहीं सिंपल मेथड से, तो इसमें अगर आप और वाटर मिलाइएगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज ही होगा, 1 से कम ही होगा कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये 5 नहीं हो सकता है, अगर आपको मोलरिटी फाइनल नहीं दिया हुआ रहता। और मान लीजिए कि आप कुछ भी वॉल्यूम मिला है, 1 ml ही वॉल्यूम मिला है, मान लीजिए बहुत थोड़ा सा मिला है, तो मोलरिटी फाइनल 1 से थोड़ा कम ही हो जाएगा, 750 डिवाइडेड बाय 751, 1 से थोड़ा कम ही हो गया। और जितना ज्यादा मिलाते जाइएगा मोलरिटी फाइनल उतना कम होगा, जबकि आपको इंक्रीज करना है। तो वाटर इस केस में यूज ही नहीं होगा, वाटर यूज कीजिएगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा 1 ml से, ना कि इंक्रीज होगा, हमको इंक्रीज करना है। तो दोनों के लिए मैक्सिमम आप 1250 ml ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर यूज ही नहीं होगा दोनों केस में। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कीजिएगा तो 5 ml बन ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ इसका 1 L और इसका 250 ml मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, वाटर यूज नहीं हो पाएगा। इसी में एक और तरीका है जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वाटर कैन बी यूज वाला में, वो किस तरह से है कि देखिए M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M final V final। M1V1 मतलब इसको इसको मिला दिए, फाइनल मोलरिटी हमको 5 ml करना है, तो भी फाइनल कितना चाहिए, तो इसका 1 L 1 ml से नंबर ऑफ मोल होगा सॉल्यूट का 1 × 1 प्लस M2V2 1 × 6 इक्वल टू M final। एम फाइनल हमको 5 चाहिए, तो यहाँ से 5 × V final, तो यहाँ से आपका V फाइनल आएगा 7/5, मतलब 1.4 L, या फिर आप बोल सकते हैं 1400 ml। तो आपका ये गलत क्यों है 1400 ml, मैक्सिमम तो 1400 ml आ रहा है आंसर। तो एक्चुअली में यहाँ गलती क्या हो रहा है कि आप जो है 1 ml KOH सॉल्यूशन का 1 L है, तो उसमें KOH कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, 1 mol KOH होगा। और 1 L का अगर 6 ml KOH सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH होगा 6 × 1, तो 1 mol यहाँ और 6 mol यहाँ, 7 mol। आप इसका 1 mol ले लिए, इसका 7 mol ले लिए, 6 mol ले लिए, बोले कि 7 mol है और मोलरिटी आपको पता है 5, तो 5 × V final इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वी फाइनल, तो यहाँ से वी फाइनल आ गया 1400 ml। लेकिन ये 7 mol जो है वो 2 L में है, तो वी फाइनल आपका 2 L से ज्यादा ही होगा, 2 L तो इन्हीं दोनों को ऐड करने के बाद हो गया। अब आप ऊपर से और वाटर ऐड कर रहे हैं, तो भी फाइनल 2 L से ज्यादा ही होना चाहिए। इसका कहने का मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो 1250 ml है, इसके बाद जो ये 750 ml आपके पास सॉल्यूशन बचा है, इस 750 ml सॉल्यूट को हम लोग निकाल लिए 750 ml से, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 750 × 1 और डिवाइडेड बाय 1000, तो ये नंबर ऑफ मोल होगा, अगर इंटू 1000 कर दीजिएगा तो उतना मिली मोल हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास 3/4 mol KOH का बच गया, इसको आप 150 ml में मिला दिए, तो ये 5 ml का सॉल्यूशन बन गया। देखिए मोलरिटी अगर आप निकालिएगा इस तरह से 3/4 / वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 150 × 1000, ऊपर जाके 1000 होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 1000 हुआ। तो इस तरह से ये 4 से 25 times और 3 से 5 times, 5 से 5 times, तो मोलरिटी 5 आया। मतलब इस 750 ml में जितना मोल है KOH का, वो निकाल के आप किसी 150 L के वाटर में मिला दिए, तो उस 150 L का जो है मोलरिटी 5 ml हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी 150 L नहीं, 150 ml के सोल्यूशन में। या फिर इसी 750 में से जब आप सोल्यूट निकाल लिए थे, ये तो 750 ml वाटर बच गया, तो इसमें 150 ml अलग कर लिया, उसमें सोल्यूट मिला दिए, जबकि ऐसा
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये दोनों को मिक्स करेंगे तो जो वॉल्यूम फाइनल है वो 2000 ml से ज्यादा आना चाहिए था, ताकि आप बोल सकते हैं कि अगर 2.5 लीटर आता तो आप बोलते कि इन दोनों को मिलाए इनका 2 लीटर और 500 ml हम ऊपर से पानी मिला दिए, तो वॉल्यूम फाइनल हो गया 2.5 और मोलरिटी फाइनल 5 ml चाहिए था। कहने का मतलब ये गलत है, जब आप मिक्स कर रहे हैं तो भी फाइनल जो है वो मिनिमम 2 लीटर तो आना ही चाहिए। अगर 2 लीटर आता तो आप बोलते कि इन दोनों का एप्रोप्रिएट अमाउंट ही था आपके पास, कि दोनों फुल्ली फुल्ली मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ वो 5 ml प्रिपेयर हुआ, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम ही 1.5 लीटर आ रहा है। इसके बाद 3 ml KOH सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। पहला, जब आप वाटर यूज नहीं कीजिएगा तो कितना बना सकते हैं मैक्सिमम, तो फिर से मान लीजिए इसका एक्स इसका बाई लीटर को मिक्स किए तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसका फाइनल मोलरिटी 3 ml है, तो एक्स प्लस 6 y इक्वल टू 3 × x + y होगा, या x + y, जैसे ये था एक्स प्लस 6 y इक्वल टू 5 × x + y। एक्स लीटर मिला रहे हैं 1 ml का, तो m1 v1 + m2 v2 इक्वल टू एम फाइनल, एम फाइनल आपका 3 करना है हमको, मोलरिटी जो सॉल्यूशन का चाहिए वो 3 चाहिए, और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, इसका एक्स इसका वाई है तो फाइनल वॉल्यूम एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए, एक्स प्लस 6 y इक्वल टू 3 x + 3 y, तो 3 y इक्वल टू 2 x आ रहा है, मतलब एक्स अपॉन वाई जो है 3:2 के रेशियो में चाहिए। तो इस केस में वाई का जितना है उसका 1.5 टाइम एक्स का आप यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है एक्स का 1 लीटर ही हो सकता है, मतलब वाई का 2/3 लीटर आप यूज कीजिएगा और एक्स का 1 लीटर। अगर वाई का आप 2/3 लीटर से ज्यादा लेते हैं तो उस केस में एक्स का 1 लीटर से ज्यादा लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास एक्स 1 ही लीटर है, तो एक्स का 1 लीटर और वाई का 2/3 लीटर, मैक्सिमम आप 1 + 2/3 5/3 लीटर प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप वाटर यूज नहीं कीजिएगा तो इसमें 3 ml² सॉल्यूशन का मैक्सिमम 5/3 लीटर ही प्रिपेयर होगा। अब आपके पास 1/3 लीटर 6 ml² सॉल्यूशन बचा हुआ है, 2/3 लीटर ये यूज हुआ है तो 1/3 लीटर बचा हुआ है 6 ml² सॉल्यूशन। अब इसका डाइल्यूशन करके आप 3 ml मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? तो आपके पास जो सॉल्यूशन है इसका मोलरिटी दिया हुआ है 6 ml और वॉल्यूम है 1/3, इसमें मान लीजिए कि वी लीटर वाटर आप मिला दिए, वी लीटर वाटर मिलाए मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, और फाइनल मोलरिटी हमको चाहिए 3 ml, तो वी फाइनल आपका कुछ होगा वी, मान लीजिए सॉरी वी लीटर आप मिलाए तो वी नहीं मान सकते हैं, वी लीटर यहाँ आप मान ही लिए तो फाइनल वॉल्यूम आपका 1/3 + v हो जाएगा, 1/3 पहले से था और वी लीटर मिला है, तो m1 v1 1/3 × 6 ml इक्वल टू एम फाइनल, एम फाइनल 3 चाहिए और वी फाइनल आपका है 1/3 + v, तो यहाँ से वी आएगा 1/3 लीटर, मतलब आप इस सॉल्यूशन में 1/3 लीटर और वॉल्यूम मिलाइएगा तो इसका भी मोलरिटी 3 ml हो जाएगा। आपके पास जो है दो सॉल्यूशन आ गया जिस केस में आप वाटर यूज कर सकते हैं, एक तो था कि वाटर जिसमें यूज नहीं किए तो उसमें 5/3 लीटर सॉल्यूशन 3 ml का प्रिपेयर था, और आपके पास जो 6 ml वाला बचा था 1/3 लीटर इसमें वाटर प्रिपेयर सॉरी वाटर मिक्स करके 3 ml का 2/3 लीटर सॉल्यूशन बना दिए। अब आप इन दोनों को मिक्स कीजिएगा तब भी फाइनल मोलरिटी 3 ml ही रहेगा। सेम मोलरिटी का वॉल्यूम को मिक्स करते हैं तो मोलरिटी में चेंज नहीं होता है, आप चाहे तो मिक्स करके देख लीजिए, मिक्सिंग है तो m1 v1 m1 3 × v1 5/3 + m2 3 × v2 2/3 इक्वल टू m फाइनल × v फाइनल, v फाइनल होगा 5/3 + 2/3 7/3 और ये होगा 3 × 7/3, तो मोलरिटी फाइनल आपका 3 आ गया ना। तो ये फिक्स है कि अगर सेम मोलरिटी का वॉल्यूम को अगर आप मिक्स करते हैं तो मोलरिटी में चेंज नहीं आएगा, 3 था तो फाइनल मोलरिटी भी 3 होगा इसको मिक्स करने के बाद, तो आपका मैक्सिमम कितना वॉल्यूम आ गया 5/3 + 2/3, तो जब आप वाटर यूज कर सकते हैं तो उस केस में आप मैक्सिमम 7/3 लीटर प्रिपेयर कर पाइएगा 3 ml का KOH सॉल्यूशन।
इस केस में जो है आप ये वाला लगा सकते हैं, 1 × 1 + 1 × 6 इक्वल टू मोलरिटी फाइनल इंटू वी फाइनल। वो देखिए ये वाला, दोनों सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करेंगे तो 1m 1m में 1 मोल है KOH का और 1m 6m में 6 मोल है KOH का। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास टोटल 7 मोल हो जाएगा KOH का, 7 मोल। तो 7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी, मान लीजिए इन दोनों को मिक्स किया और वाटर भी मिक्स कर दिए तो भी फाइनल आपके पास भी है, मान लीजिए भी है टोटल वॉल्यूम, तो मोलरिटी होगा 7 बाय V इक्वल, ये तो 5 वाला, ये तो रॉन्ग मेथड है। 7 बाय V इक्वल टू 5 से कीजिएगा तो वॉल्यूम आएगा 1400 ml, जबकि 2 लीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। यहाँ पे 7 बाय V इक्वल टू 3, तो वॉल्यूम इक्वल टू आएगा 7 बाय 3 लीटर, मतलब 2 लीटर तो इन दोनों को मिलाने से हुआ और 1 बाय 3 लीटर आप वाटर मिलाए ऊपर से, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है 7 बाय 3 लीटर हुआ। और इसमें आप कितना वाटर मिक्स किए, तो 1 बाय 3 लीटर वाटर मिक्स किए। कहने का मतलब कि पहले ये डाइल्यूशन हुआ, ठीक है, सॉरी पहले ये मिक्सिंग हुआ, तो दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स किए 1 लीटर और 1 लीटर वाला, तो मोलरिटी फाइनल कितना होगा, मोलरिटी फाइनल हो जाएगा आपका 1 × 1 + 1 × 6, m1 v1 + m2 v2 इक्वल टू m फाइनल v फाइनल होता है, तो अपॉन v फाइनल हो जाएगा, v फाइनल होगा 2, तो मोलरिटी फाइनल होगा 7 बाय 2। मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स कीजिएगा पूरा पूरा, तो 3.5 मोलरिटी होगा सॉल्यूशन का, 3.5 मोलरिटी हो गया। और आप वाटर यूज कर सकते हैं अगर इस केस में, तो वाटर जब आप यूज कीजिएगा तो मोलरिटी घटते जाएगा 3.5 से, तो कितना आप वाटर यूज करें ताकि मोलरिटी घट के 3 हो जाए, तो आपके पास 3.5 m का 2 लीटर सॉल्यूशन है। अब इसमें आपको वाटर यूज करना है, मतलब डाइल्यूशन करना है, तो m इनिशियल भी इनिशियल 3.5 × 2 इक्वल टू एम फाइनल, एम फाइनल आपको 3 चाहिए, भी फाइनल मान लीजिए कुछ है, मतलब 2 लीटर था कुछ और ऐड कर दिए इसमें, तो भी फाइनल आपका आएगा 7 बाय 3 लीटर। 7 बाय 3 लीटर में 2 लीटर पहले से था, मतलब 1 बाय 3 लीटर आप पानी बाहर से ऐड किए, तो दोनों को मिक्स करने के बाद मोलरिटी 3 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए आप वाटर यूज कर पा रहे हैं। लेकिन 5 m के केस में ऐसा नहीं था, 5 m के केस में जब आप दोनों को मिक्स किए पूरा पूरा, तो उस केस में मोलरिटी आ गया 3.5। मिक्स करने के बाद अभी हम चेक किए ना, 3.5 आया। अब अगर आप फर्दर वाटर यूज कीजिएगा तो मोलरिटी 3.5 से कम ही जाएगा, इसलिए वाटर यूज करके आप 3.5 m से ज्यादा का सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम सॉल्यूशन वो नहीं होगा, तो मैक्सिमम आप कितना प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ 6 m है, इसी में आप पानी मिलाते जाइए, पानी मिलाते जाइए, तो ये 1 लीटर का 6 m है, इसमें अगर पानी मिलाएगा तो मोलरिटी घटेगा, मोलरिटी घट के 5 m कितना में होगा, तो वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा m1 × v1, 1 × 6 इक्वल टू m फाइनल, 5 करना है इंटू v फाइनल, मान लीजिए v फाइनल कुछ है, तो v फाइनल आपका होगा 6 बाय 5। तो मैक्सिमम आप 6 बाय 5 वॉल्यूम ही प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें से कि 1 लीटर आपका ये वाला था और कुछ पानी मिला दिए, 6 बाय 5 - 1 इतना आप पानी मिलाए, मतलब 1 बाय 5 लीटर ही पानी आप मिला सकते हैं, मतलब 200 ml पानी आप मिलाए, तो मैक्सिमम 1200 ml बन पाएगा उस केस में, जबकि बिना वाटर यूज किए ही हम 1250 ml बना दिए। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आप मैक्सिमम 1250 ml प्रिपेयर कीजिएगा, और इस केस में अगर वाटर यूज नहीं करना है तो इस केस में 5 बाय 3 लीटर आप मैक्सिमम बना सकते हैं, और वाटर यूज करने का ऑप्शन है तो आप मैक्सिमम 7 बाय 3 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 ml ऑफ 0.12 m FeNO3 होल 3 प्लस 100 ml ऑफ 0.1 m FeCl3 सोल्यूशन प्लस 100 ml ऑफ 0.26 m MgNO3 होल 2 सोल्यूशन, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 - आयन। तो इस केस में देखिए, आप 50 ml ये सोल्यूशन मिला रहे हैं 100 ml FeCl3 सोल्यूशन के साथ, और साथ में 100 ml MgNO3 होल 2 का मिला रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप तीनों को मिला देंगे तो वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा 250 ml। तो वॉल्यूम फाइनल इन लीटर होगा 1/4 लीटर। अब कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस, मतलब मोलेरिटी ऑफ सी एल माइनस बताना है, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एल माइनस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर फाइनल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एल माइनस कितना होगा, तो
तो ये देखिए 100 ml ऑफ पॉइंट एम FeCl3 सॉल्यूशन में सिर्फ क्लोराइड आयन है, बाकी दोनों में तो क्लोराइड आयन है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सीएल माइनस होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 m इंटू 100। ये FeCl3 का कंसंट्रेशन हो गया, मतलब इसका मोलरिटी हो गया, और एक FeCl3 में 3 क्लोरीन आयन होता है, तो नंबर ऑफ मोल जो है FeCl3 का 3 टाइम होगा क्लोरीन, तो इतना मोल FeCl3 का, तो इतना इंटू 3, इतना मिलीमोल, ml में वॉल्यूम ले रहे हैं ना, इसलिए मिलीमोल। अगर आप अपॉन 1000 कर लीजिएगा तब मोल होगा, कहने का मतलब 30 मिलीमोल बनेगा डिवाइडेड बाय 10, तो ये 30 मिलीमोल है, 30 डिवाइडेड बाय 250, या फिर दोनों को आप इसको मोल और 250 को लीटर में बदल दीजिए, तो वॉल्यूम फाइनल लीटर में और नंबर ऑफ मोल 30/1000, तो यहाँ से 30/250 हो जाएगा, तो 3/25, यहाँ वही किया गया है, 0.1 × 0.1 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास 100 ml या फिर 0.1 लीटर होगा, ये FeCl3 का वॉल्यूम होगा, और एक FeCl3 में 3 मोल है क्लोरीन का, तो इतना मोल अगर FeCl3 का है तो उसका 3 टाइम होगा मोल ऑफ FeCl, सॉरी मोल ऑफ क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल इन लीटर इक्वल टू 3/25, तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन होगा 0.12 m। इसी में अगर आप चाहें तो मिक्सिंग लगा दीजिए, m1v1 + m2v2 + m3v3 = m final v final, तो पहला में m1 जीरो है, Cl माइनस का मोलरिटी जीरो है, Cl माइनस है ही नहीं 50 m दिस सॉल्यूशन में, इसमें m2 है आपका 0.1 m × 100 ml FeCl3 के लिए, लेकिन क्लोराइड आयन तो इसका 3 गुना होगा क्लोराइड आयन, तो 3 × m2 होगा, तो 0.1 × 3 × 100 + m3v3 ये जीरो ही हो जाएगा, तो 3 × m2v2 ही तो हुआ, 3 × m2v2, v2 लीटर में, वॉल्यूम फाइनल भी लीटर में, तो यहाँ से क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन है। सिमिलरली नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन, इसमें यहाँ से भी नाइट्रेट आयन आएगा और थर्ड सॉल्यूशन से भी आएगा, तो फर्स्ट से नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रेट आयन कितना होगा 0.12 × 50 मिलीमोल ही निकालते हैं, वॉल्यूम जो है वो भी फाइनल आप ml में ही ले लीजिएगा, क्योंकि upon 1000 कीजिएगा दोनों मिलीमोल और ये लीटर में करने के लिए, मिलीमोल से मोल में करने के लिए, ml से लीटर में करने के लिए, बात वही हो जाएगा, तो 0.1 × 50 ये FeNO3³ का मोल हुआ, इसका 3 टाइम होगा नाइट्रेट आयन, तो 0.12 × 50 × 3, यहाँ अपॉन 1000 किया गया तो कोई फर्क नहीं, यहाँ भी अपॉन 1000 होगा, यहाँ भी 250/1000 होगा, तो 0.25 होना ही है, प्लस इसमें तो जीरो होगा, तो प्लस जीरो प्लस 0.26 × 100 × 2 या फिर 0.1/1000 × 2 और डिवाइडेड बाय 250, अगर 100 और यहाँ 50 लिखिएगा तो यहाँ 250 लिखना पड़ेगा, नहीं तो लीटर में कीजिए, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कंसंट्रेशन जो है NO3 माइनस आयन का होगा 0.28 m, तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आयन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ H फाइनल इक्वल टू 0.1 m। तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइनल बताना है 0.1 m होना चाहिए, तो कितना वॉल्यूम 0.1 m H2SO4 का ऐड करेंगे 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH में, तो मान लेते हैं कि VML 0.1 m H2SO4 का ऐड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा, वॉल्यूम अगर VML है तो नंबर ऑफ मोल होगा V/1000 × 100, तो उससे अच्छा है कि वॉल्यूम ही लीटर ही मान लेते हैं कि भी लीटर यूज करते हैं, वो अपने आप आ जाएगा 1/3 लीटर 1/4 लीटर, तो ये 250 ml हो जाएगा, सिंपल बात है, तो भी लीटर वॉल्यूम यूज किए हैं तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा V × मोलरिटी, मोलरिटी है 0.1 m, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 होगा 0.1 × V, और नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH क्या होगा 0.1 × 50 / 1000, तो ये होगा
0.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000, तो 5/10 होगा। हाँ तो यहाँ 5/10 होगा। नंबर ऑफ मोल इनिशियली 5/10 है NaOH का, और H2SO4 का 0.1 इंटू भी है। अब ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन आपको नहीं पता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप पढ़ ही लीजिएगा। अभी बस ये वाला देख लीजिए, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 से Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O बनता है। तो दो मोल के लिए एक मोल H2SO4 चाहिए, तो 5/10 मोल के लिए इसका हाफ चाहिए, तो 5/20 मोल H2SO4 का चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो 5/20 मोल तो रिएक्शन करेगा H2SO4। अब कितना मोल बचेगा, 5/20 मोल अगर रिएक्शन कर गया, आपके पास 0.1 इंटू भी मोल है, तो आपके पास H2SO4 का 0.1 इंटू भी माइनस 5/20 मोल बचेगा, या फिर इसी को 0.0025 लिखिए 5/20 को, तो आपके पास H2SO4 का इतना मोल लेफ्ट होगा, 0.1 भी माइनस 0.0025। और एक मोल H2SO4 में दो मोल H प्लस आयन होता है, H2SO4 होने के कारण 2H प्लस होता है। तो अगर इतना मोल आपके पास H2SO4 का बचा हुआ है सॉल्यूशन में, तो इसका डबल होगा मोल ऑफ H प्लस, तो मोल ऑफ H प्लस होगा 0.1 भी माइनस 0.0025 इंटू 2। तो वॉल्यूम सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा मोल ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर। तो 50 ml तो पहले से था NaOH, इसमें आप भी लीटर मिलाए हैं, तो आपके पास पहले से 50/1000 लीटर था NaOH का, और उसमें भी लीटर मिला दिए H2SO4 का, तो टोटल वॉल्यूम हो गया फाइनली 50/1000 प्लस भी। तो फाइनल वॉल्यूम और मोल ऑफ H प्लस ही पता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमको चाहिए 0.1। फाइनली जो रिएक्शन वगैरह हो जाए तो इस सॉल्यूशन में 0.1 एच प्लस का सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो 0.1 इक्वल टू दिस, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा ये 50/1000 0.05 प्लस भी 0.2 भी माइनस दिस इंटू 2.0.05। तो यहाँ से भी इक्वल टू आएगा 0.1 लीटर, मतलब ये जो H2SO4 है इसका अगर आप 100 ml मिलाइएगा 50 ml NaOH में, तब जाके जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा 0.1 ml। यही फाइंड आउट करना था कि कितना ml मिलाएं या कितना वॉल्यूम मिलाएं ताकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइनल 0.1 ml हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ml ऑफ 0.1 ml KCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 ml NaNO3 प्लस 300 ml ऑफ 0.2 ml AgNO3 सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो कितना मोल प्रेसिपिटेट का बनेगा ये आपको बताना है। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयन इन द कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, तो सभी आयन का फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन में, ये आपको बताना है। तो ये भी जो है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस पिछले क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं हुआ था, यहाँ पे रिएक्शन भी होगा। Ag प्लस और Cl माइनस जो है आपस में रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता है। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन का, 500 ml प्लस 200 ml प्लस 300 ml, मतलब फाइनली आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। उसमें मोल ऑफ Ag प्लस कितना होगा, तो मोल होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000। ये जो है AgNO3 का मोल हो गया। अब जितना मोल AgNO3 का उतना ही मोल Ag का भी, क्योंकि एटोमिसिटी 1 है, तो इतना ही मोल Ag का भी होगा। तो ये जो है आपके पास 0.06, तो Ag प्लस आपके पास 0.06 है। Cl माइनस कितना है, 0.1 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000, 5 से 2 टाइम्स, तो 0.1/2 मतलब 0.05। ये जो है KCl का नंबर ऑफ मोल है, और जितना मोल KCl का उतना ही मोल Cl माइनस आयन का, तो इतना ही मोल Cl माइनस आयन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl माइनस 0.05 होगा। तो आपके पास 0.06 मोल Ag प्लस है और 0.05 मोल Cl माइनस का है। Ag प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्शन करके AgCl बनाता है प्रेसिपिटेट। तो कितना मोल प्रेसिपिटेट का बनेगा ये बताना है। तो देखिए एक मोल के लिए एक मोल चाहिए,
तो 0.06 मोल के लिए 0.06 मोल चाहिए, लेकिन आपके पास 0.05 मोल है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है। तो 1 मोल से 1 मोल एजीसीएल बन रहा है, तो 0.05 से 0.05 मोल एजीसीएल का बनेगा। तो मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट कौन कितना होगा, 0.05 मोल, 0.05 मोल्स ऑफ AgCl कौन, AgCl ये आपका प्रेसिपिटेट है। इसके बाद सभी आयन का कंसंट्रेशन कितना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, Cl माइनस तो चला गया 0, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन होगा 0, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl माइनस है 0। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, तो आपके पास 0.06 मोल था, जिसमें कि 0.05 मोल रिएक्शन कर लिया, 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्शन करता है, तो 0.05 के साथ 0.05 मोल रिएक्शन करेगा, तो आपके पास कितना मोल बचेगा एजी प्लस का, 0.06 माइनस 0.05, इतना था उसमें से इतना रिएक्शन कर लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आ गया। तो मोलरिटी जो है एजी प्लस का है वो 0.01 m है, तो एजी प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता चल गया। इसके बाद के प्लस आयन, तो जितना के सी एल होगा उतना ही मोल के प्लस का भी होगा, तो 0.05 मोल के प्लस है आपके पास, 0.05 बोलिए या फिर 0.1/2 बोलिए, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कीजिए या नहीं कीजिए। फाइनल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद 1 लीटर हो गया ना, तो मोलरिटी के प्लस का हो गया 0.05 m। Na+ कहाँ कहाँ है, सिर्फ यही है, तो NaNO3 का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 0.1 × 200/1000, ये मोल्स ऑफ NaNO3 हो गया, और इतना ही मोल Na प्लस का भी होगा, क्योंकि एटोमिसिटी 1 है, डिवाइड बाय 1000 होगा, तो 20 कैंसिल आउट, 2/10, 5 टाइम 0.1/5, ये 0.02 होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस होगा 0.1/5, वॉल्यूम तो 1 है, तो 1 से डिवाइड कीजिए या नहीं कीजिए, तो 0.002 होगा, सॉरी 0.02 होगा, 0.1/5 0.02 होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस होगा 0.02 m। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन, तो NO3 माइनस, एक तो यहाँ पे NO3 माइनस है और यहाँ भी NO3 माइनस है, तो दोनों से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तो NaNO3 का कितना मोल आया था, 0.1/5, जितना मोल NaNO3 का उतना ही मोल NO3 माइनस आयन का, तो इतना ही मोल NO3 माइनस आयन का होगा, 200 ml ऑफ 0.1 m NaNO3, यहाँ से भी NO3 आएगा, तो 0.2 × 3, AgNO3 का भी निकाले थे ना 0.06, तो जितना Ag है उतना ही NO3 माइनस आयन भी है, तो 0.06 AgNO3 से आएगा नाइट्रेट आयन, और 0.02 आएगा NaNO3 से, तो आपके पास टोटल 0.06 + 0.02, 0.08 मोल है NaNO3 का 1 लीटर, सॉरी NO3 माइनस आयन 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन होगा 0.08/1, तो ये जो है 0.08/1 0.08 m होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन। तो इस तरह से आप मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।